हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IQ। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड, डिफरेंस बिटवीन स्वेज ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, एक्सटर्नल हॉरलम, इंटरनल हॉरलम और चेलाजियन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड और स्वेज ग्लैंड क्या होता है। तो ये दोनों ही एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं जो कि पाया जाता है स्किन ऑफ द मैमल्स में। और इन दोनों का जो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि सेबेशियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करता है और स्वेट ग्लैंड स्वेट मतलब कि एक वाटरी फ्लूइड मिक्स विद सॉल्ट सिक्रीट करता है। और सीबम क्या है, ये एक ऑयली सब्सटेंस है। ओके, और इन दोनों ग्लैंड्स का ही मेन फंक्शन ये है कि ये दोनों ही हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ड्राइनेस। पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो स्वेट ग्लैंड है वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है इसका। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सेबेशियस ग्लैंड है जो कि ऑयली सब्सटेंस एक्सक्रीट करता है वो कनेक्टेड टू द हेयर फॉलिकल से, मतलब इसका एक्सक्रीशन थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ द हेयर फॉलिकल्स ही होता है। तो यही मेन डिफरेंस है। तो चलिए हम आगे अब समझते हैं कि जो ग्लैंड्स आईलिड्स में प्रेजेंट हैं उनके बारे में। तो मेबोमियन ग्लैंड जो होता है वो सेबेशियस ग्लैंड है जो कि अभी हमने देखा कि ये ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है और यह ईच आईलिड में 20-30 प्रेजेंट होता है। ये अपर आईलिड है और यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके का जो ये ब्लू कलर में जो बना हुआ है ये है हमारा मेबोमियन ग्लैंड और यह ओपनिंग ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड है और यह आईलिड के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंड्स ऑफ द जीज। ये भी मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड ही है जैसे कि मेबोमियन ग्लैंड्स था, पर ये जो है वो फॉलिकल्स ऑफ द आईलैशेस में पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ग्लैंड्स ऑफ द जीज, ये फॉलिकल्स ऑफ द देखिए ये जो है वो आईलैशेस के फॉलिकल्स के जस्ट पास में ही है। और नेक्स्ट है हमारा ग्लैंड्स ऑफ मोल। तो इसका क्या है कि ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। जैसे कि हमने देखा कि ग्लैंड्स ऑफ जीस और मेबोमियन ग्लैंड्स ये दोनों सेबेशियस ग्लैंड है, पर ग्लैंड ऑफ मोल जो है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और यह भी हेयर फॉलिकल्स के पास ही ओपन होता है जैसे कि ग्लैंड्स ऑफ द जीस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो है ये मेबोमियन ग्लैंड है और उसके बाद ये हेयर फॉलिकल्स आईलैशेस हैं। इसके बाद यहाँ देखिए पास में ग्लैंड्स ऑफ द जीस हैं और इसके जस्ट पास में ग्लैंड्स ऑफ मोल है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि इन्फेक्शंस ऑफ द आईलिड। सबसे पहला है हमारा स्टाई और हॉड्यूलम। ये क्या होता है, एक छोटा सा रेड पेनफुल लंप आईलैशेस के पास ग्रो कर जाता है, उसी हम स्टाई कहते हैं। आगे हम पिक्चर्स में देखेंगे और इसे और डिटेल में समझेंगे। स्टाई जो है वो दो टाइप का होता है, पहला है एक्सटर्नल हॉड्यूलम और दूसरा जो है वो है इंटरनल हॉड्यूलम। तो एक्सटर्नल हॉड्यूलम क्या होता है, वह स्टाई जो कि बेस ऑफ द आईलैशेस पे ग्रो करता है उसे हम एक्सटर्नल हॉड्यूलम कहते हैं। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन होता है और ये छोटा सा पिंपल की तरह दिखाई देता है। और एक्सटर्नल हॉड्यूलम आप देखिए, अगर हम डायग्राम बनाएं तो अगर ये आईलिड है तो ये यहाँ पर पाया जाएगा इस तरीके से, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये। तो जैसे कि हमें पता है कि फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल्स के पास या तो ग्लैंड ऑफ जीस प्रेजेंट है या फिर ग्लैंड ऑफ मोल प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल हॉर्डिलम में ग्लैंड ऑफ मोल या ग्लैंड ऑफ जीस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इंटरनल हॉर्डिलम क्या होता है। वह स्टाई जो इनसाइड ऑफ द आईलिड है उसे हम इंटरनल हॉर्डिलम कहते हैं। ये भी मोस्ट केसेस में ये इन्फेक्शस ही होता है और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जब ब्लॉक हो जाते हैं तब होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर होता ये तो एक्सटर्नल होता और क्योंकि ये अंदर इनसाइड पार्ट ऑफ द आईलिड में हुआ है इसीलिए इसे इंटरनल हॉर्डुलम बोलेंगे। तभी इन्फेक्शस होता है, पर आप देखिए ये मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब इंटरनल हॉर्डुलम होता है तो वो क्या होता है, एकदम आईलैश फॉलिकल्स जो है उनके पास होता है। पर क्योंकि यह इनसाइड ऑफ द आईलिड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, मतलब कि एक्सटर्नल हॉर्डुलम में ग्लैंड्स ऑफ द जीस या ग्लैंड्स ऑफ मोल में प्रॉब्लम आती है, पर इंटरनल हॉर्डुलम में मेबोमियन ग्लैंड्स में दिक्कत आती है।
नाउ अगला हम बात करेंगे कि चिलेजियन क्या होता है। चिलेजियन में भी मेबोमियन ग्लैंड्स का क्लॉगिंग हो जाता है और इसका जो हमने पढ़ा अभी इंटरनल हॉर्डिलम और चिलेजियन में यह डिफरेंस है कि इंटरनल हॉर्डिलम इन्फेक्टिव है जबकि चिलेजियम नॉन इन्फेक्टिव है। तो इस इमेज में जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह आईलिड के ऊपर में एक बम्प सा है, तो इसे हम चिलेजियन बोलेंगे। तो चलिए हम इस इमेज में समराइज़ करते हैं जो भी चीज़ें हमने अभी तक हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहला यह जो है आप देख सकते हैं कि आईलिड के ऊपर में हुआ है, तो इसीलिए इस ये जो प्रॉब्लम है वो मेबोमियन ग्लैंड का डिसफंक्शन है जिसे हम चिलेजियन बोलते हैं। ये सेकेंड इमेज जो है ये देखिए कि ये आईलिड के अंदर में हुआ है, तो ये इंटरनल हॉर्डिलम है और क्योंकि ये आई फॉलिकल्स के पास नहीं हुआ है इसीलिए यह भी मेबोमियन ग्लैंड का डिसफंक्शन है जिसे हम इंटरनल हॉर्डिलम बोलेंगे। पर यहाँ देखिए आप कि ये आई लैशेस के पास ही हुआ है जहाँ पर आई फॉलिकल्स हैं यहाँ पर, तो इसीलिए ये एक्सटर्नल हॉर्डिलम है। So that's the end of the video guys. I hope ये आपको पसंद आया। See you in the next video. Till then take care, stay safe. Bye bye.